समझते हैं कि जब तक आप प्रत्याशी नहीं बनेंगी, मैंने बहुत कुछ आपको सीरियस पॉलिटिशियन नहीं माना। कोई बात नहीं, जनता माने न माने, जब समय आएगा मैं करूंगी। कांग्रेस तीसरी बार हारती है तो नेहरू गांधी परिवार को धीरे धीरे हटना पड़ेगा, कोई और नया। देखिए, ये राहुल हमेशा एक बहुत गहरे इंसान रहे हैं। राहुल हमेशा बचपन से न्याय की लड़ाई लड़े हैं। अगर दो बच्चे लड़ पड़ते तो किसी ने किसी के साथ अन्याय किया तो राहुल उसके लिए लड़ लेते। और राहुल में एक खासियत है जो कभी कभी जिससे मैं चिढ़ती भी हूँ कि वो सच बोलते हैं, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, अपनी बहन से, अपने दोस्तों से, अपने जो कार्य करते हैं उनके साथियों के साथ और जनता के साथ वो सच बोलते हैं। अभी मैं देख रहा था राहुल का प्रियंका वाड्रा का इंटरव्यू, ठीक उसी ढंग से जिस तरह से सोनिया गांधी का इंटरव्यू राजदीप ने लिया था, कहा आपकी माँ का भी हमने ऐसे ही इंटरव्यू लिया था। वो मुझे दिखा कोई एक शानदार हवेली टाइप रायबरेली में, मतलब इन लोगों ने इसका मतलब शानदार और कई बीघे में जो है वो मतलब बगीचा था उस हवेली का रायबरेली में। ये लोग कहते हैं कि देश के लिए हमारे बाप दादाओं ने सारी संपत्ति दे दी। बचपन में मुझे भी लगता था ये परिवार कितना त्यागी है, एक आनंद भवन था वो भी दे दिया, इन लोगों ने कुछ भी नहीं रखा। आज इसने कहा कि हाँ मुझे बहुत सम्मान करती हूँ मोदी जी का कि वो गरीब परिवार से आए, लेकिन वो गरीब परिवार से प्रधानमंत्री बन गए, ये हमारे परिवार का एहसान है कि हमने ऐसा संविधान रखा। लेकिन आज एक पत्रकार के रूप में मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था पूरा राजदीप का, राजदीप ने पूरा मसाला लगाया, लेकिन राजदीप बार बार से एहसास कराना चाह रहा था कि वो मोदी जी की भी चापलूसी कर रहा है, सब सवाल कर रहा है। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने सवाल जवाब के बीच एक बात कही। प्रियंका ने कहा कि जब मैं छोटी थी, मेरे पापा प्रधानमंत्री थे, तो मेरे घर एक ज्योतिष आए थे, पॉलिटिकल ज्योतिष थे, और उन्होंने मेरा हाथ देखा और कहा कि तुम भारत का प्रधानमंत्री बनोगी, तुम्हारे हाथ में भारत के प्रधानमंत्री का योग है। ये प्रियंका वाड्रा राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू में कह रही है। व्यूअर्स उसको आज राजदीप के इंटरव्यू में सुन लेंगे। प्रियंका जी, मैं आपको पहली बार यहां मिला अमेठी में 1999 में, अभी भी आपको याद होगा, आप तब सोनिया गांधी जी के लिए पहली बार कैंपेन कर रही थी, अब आप अपने भाई के लिए कर रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ 25 साल में प्रियंका गांधी वाड्रा में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? मैंने शुरुआत की कि आप प्रत्याशी कब बनेगी, आपने कहा मैं फ्यूचर के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने ये 25 सालों में क्या बदलाव? सफेद हो गए और रंगवाने पड़ते। नहीं नहीं, उसके अलावा तो कुछ तो हुआ होगा। ये कहा जाता है ना कि आपने मुझे कहा कि शुरुआत में कहा कि क्या है अगर मैं प्रत्याशी नहीं बनूं, मैं पार्टी के लिए काम करती हूं। लोग समझते हैं कि जब तक आप प्रत्याशी नहीं बनेंगी, मैंने बहुत कुछ आपको सीरियस पॉलिटिशियन नहीं माना। कोई बात नहीं, जनता माने न माने, जब समय आएगा मैं करूंगी। जनता के साथ मेरा एक रिश्ता है, बना रहेगा। और देखिए कैसे बदली है आप? बहुत बहुत सीखा है मैंने, बहुत सीखा है, राजनीति के बारे में बहुत सीखा है, देश के बारे में बहुत सीखा है, जनता के संघर्षों के बारे में बहुत सीखा है। हार जीत हो, आप राजनीति में रहेंगी, हार जीत हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है अगर कांग्रेस तीसरी बार हारती है तो नेहरू गांधी परिवार को धीरे धीरे हटना पड़ेगा, कोई और नया। देखिए, ये नेहरू गांधी परिवार जो आपने अपने मन में धारणा बनाई है ना, ये हम अपने आप को ऐसे देखते ही नहीं है। हमारी कोई, हमें कभी ये नहीं सिखाया गया था कि तुम इस परिवार के हो इसलिए तुम्हें ऐसा करना है, ना मैंने अपने बच्चों को सिखाया। आप मेरे बच्चों से मिले हो, हमारी मतलब हमारी परवरिश भी ऐसी नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा, हमें कभी नहीं कहा कि तुम्हें ये बनना है या तुम्हें प्रधानमंत्री बनना फोर्स है, नहीं किया। दिमाग में नहीं आया, कभी फोर्स नहीं किया। सोनिया जी ने, आप या राहुल को? मैं आपको बताती हूँ, एक बार एक ज्योतिषी आए हमारे घर, ऐसे मतलब पोलिटिकल टाइप के ज्योतिषी थे। अब पिताजी का इंतजार कर रहे थे, मैं गुजर रही थी वहां से, 12-13 साल की होंगी, हाथ देख लिया मेरा, मैं बड़ी होके आप प्रधानमंत्री बनेंगे। पिताजी ने सुन लिया और मुझे डांटा कि तू क्या कर रही हो, ये सब बातें बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। मतलब कि उनके ये जो धारणा है ना कि हमारे परिवार ने हमेशा सिर्फ सत्ता के लिए, हमें सत्ता चाहिए, हमने राज किया है, हम अपने आप को महाराजाओं की तरह समझते हैं, एकदम एकदम बकवास है। आप मेरे घर आइए देखिए, कोई क्या हम महाराजाओं की तरह रहते हैं या ऐसे जैसे हम कोई बड़ा पता नहीं कैसा परिवार है? साधारण है हमारा जीवन, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। ना हमने कभी ये धारणाएं रखी हैं कि हमें कुछ सत्ता चाहिए या सत्ता को किसी भी तरह से पकड़ के रखना है, ये हमारा मकसद ही नहीं है जी। देखिए, जिसने ना, आपने पहले मेरे पिताजी की बात की, जिसने इतनी हिंसा देखी है,
जो राहुल और मैंने देखी है, 12 साल की उम्र में हमें हमारी जो दादी थी माता जी की तरह थी, हम एक ही घर में रहते थे। आज भी वो घर घर म्यूजियम बना है, आप देख सकते हैं, और वहां भी आप देखेंगे कि एकदम साधारण टाइप का जीवन। आज आपको यकीन नहीं आएगा कि यहाँ प्रधानमंत्री रहती थी, इस लकड़ी के पलंग पे, और जमीन पे चटाई भी नहीं है। तो खैर वो अलग बात है, मैं कह रही थी कि उनकी जब हत्या हुई, हम 12 साल के थे, हमारे घर के अंदर हत्या हुई, हमने अपनी माँ को देखा, माँ ने उनका शरीर उठा के वो ही ले गई अस्पताल। माँ सदमे में थी, बहुत समय के लिए सदमे में थी। उसके बाद 7 साल बाद हम 19 साल के, भैया 21 साल के थे, पिताजी की मृत्यु होती है, और इस तरह से होती है, पिताजी सिर्फ 46 साल के थे। तो हमारे मतलब एक, जब ऐसी चीजें होती है ना जीवन में, किसी के भी जीवन में, कोई भी हो जिनके पिता आकस्मिक मौत से गुजर गए हों या कुछ ऐसा होता है, तो किसी के भी जीवन में होते हैं, तो जीवन में एक अलग तरह की गहराई आ जाती है, उस जीवन की समझ ही अलग हो जाती है। तो कोई प्रेशर नहीं आप पर या आपके भाई पर कि, या सोनिया जी ने डाला कि आपको राजनीति करनी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप राहुल गांधी को सबसे अच्छी तरह से जानती है। राहुल में क्या फर्क आया है, क्या वो तैयार है? फर्क आपके नजरिए में के बनने फर्क आपके नजरिए में है, राहुल में नहीं है। राहुल हमेशा एक बहुत गहरे इंसान रहे हैं। राहुल हमेशा बचपन से न्याय की लड़ाई लड़े हैं। अगर दो बच्चे लड़ पड़ते तो किसी ने किसी के साथ अन्याय किया है तो राहुल उसके लिए लड़ लेते हैं। और राहुल में एक खासियत है जो कभी कभी, जिससे मैं चिढ़ती भी हूँ, कि वो सच बोलते हैं, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, अपनी बहन से, अपने दोस्तों से, अपने साथ जो कार्य करते हैं उनके साथियों के साथ और जनता के साथ, वो सच बोलते हैं। आपको भी मुंह पे सच बोल देंगे आपको, इसलिए तो लोग थोड़े से, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम थोड़ी अच्छी तरह से बोलते हैं, जो भी बोलना है, मेरी भी आदत है, मैं ऐसी मुंहफट नहीं हूँ, वो थोड़े से मुंहफट है। हो आप दोनों रहेंगी राजनीति में, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी रहेंगे, हार जीत हो और क्या, हम तो ये कोई सवाल है, इतने समय से राजनीति में रहे हैं। राहुल जी तो मेरे ख्याल से अब 20 सालों से, और देखिए राहुल, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नेता नहीं होगा इस पूरे देश में जिसके खिलाफ इतनी संगठित और इतनी धनराशि, जिस कैंपेन पे उनके खिलाफ जो कैंपेन की गई भाजपा के द्वारा, इतनी धनराशि किसी भी पार्टी ने किसी भी नेता का की इमेज खराब करने के लिए इस पूरे देश में नहीं की होगी। राहुल जी को मीडिया से लेकर, भाजपा के नेता से लेकर, सबने, इन्होंने इतना आक्रमण किया राहुल जी पे, और इतने अपशब्द बोले और इतनी गलत गलत धारणाएं फैलाई इनके बारे में, फिर भी राहुल जी की इतनी हिम्मत है कि झुकते नहीं है, डरते नहीं है। इन्होंने घर से निकाला, संसद से निकाला, इन्होंने तमाम मुकदमे लगाए, एक गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, कहीं कहीं, ताकि दौड़े रहे मुकदमों को में हाजिर होने के लिए, लेकिन राहुल जी झुके नहीं, डरते नहीं है। और पूरा देश आज समझ रहा है कि ये आदमी सच बोलेगा, कभी नहीं डरेगा, कभी नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते, बहुत अच्छे, क्योंकि देश की गहराइयों को समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। अगर मोदी जी कल हिंदू धर्म पे डिबेट करें राहुल जी के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल जी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे, इतना जानते हैं, इतनी जानकारी है और इतनी गहराई में चीजों को समझते हैं। लेकिन इस चुनाव में ये तय किया गया है कि इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो वो खुद सब बैठ के तय करेंगे, जिसको भी चुने हम समर्थन देंगे। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन तय करेगा जी, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, आपका आंकड़ा क्या है? क्या आपको वाकई लगता है कि जून 4 को नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, 2004 रिपीट होगा, या आप मानती हैं कि बीजेपी फ्रंट रनर है और आप बैकफुट पर हैं? नहीं, हम बैकफुट पे बिल्कुल नहीं है, बैकफुट पे मोदी जी हैं, जो फिजूल की बातें करने लगे हैं और जो अपने प्रचार का खुद खंडन करने लगे हैं चुनाव के बीच में, बैकफुट पे मोदी जी हैं। हम बैकफुट पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने, इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने लगातार जनता के मुद्दे उठाए, और हम सिर्फ लगातार यही कह रहे हैं, मोदी जी मुद्दे पे आइए, मोदी जी मुद्दे पे आ नहीं पा रहे हैं,
मोदी जी इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, घबरा रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, पूरे देश को दिख रहा है आज, तो हम बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है। मैं तो उनको छोटी हूं उनसे, लेकिन उनको सलाह अभी भी दे देती हूं कि अभी भी जनता की बात कर लें, अभी भी कर लें। प्रियंका जी, हम ये इंटरव्यू यहाँ एंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, यू आर कॉल्ड, आपको कहा गया था कांग्रेस की ब्रह्मास्त्र होंगी जब आप पॉलिटिक्स में नहीं आई, आप अपने आप को किस तरह से देखती है? क्या वो एक चीज है जो जनता नहीं जानती प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में, जो हमें आज जाननी चाहिए? आप ब्रह्मास्त्र है, क्या है, आप अपने आप को किस तरह से देखती है, और क्या है वो एक चीज जो हम नहीं जानना, हमें जाननी चाहिए जो हम नहीं जानते? देखिए, मैं सच्चाई ये है कि मैं राजनीतिक संदर्भ में अपने आप को मैं एक कार्यकर्ता समान देखती हूँ। मैं देखिए यहाँ पे भी चुनाव है, मैं तीन जाके मेरी आदत है, मैं क्या बताऊँ, रैली चल रही है तो मैं जाके खुद देखूंगी कि कितने झंडे बटे हैं, नहीं बटे हैं तो खड़ी होके बटवाऊंगी। मैं थोड़ी इस तरह की हूँ क्या मैं? अच्छा, मैं थोड़ी बारीकियों में घुसती हूँ, माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, तो मैं यहाँ पे 3 बजे तक नहीं सोती, फिर उठ के निकल जाती हूँ 12 घंटे, फिर वापस आके सबको तंग करती हूँ कि भाई तुमने क्या किया, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया, ये क्या है, ये लिस्ट बना देती हूँ, ये करना है, चलो वहां जाके देखते हैं। तो मैं थोड़ा, ये मैंने सुना इंदिरा गांधी बहुत करती थी, अब वो नहीं मालूम मुझे इतना। पर आखिर में चुनाव के बाद वी विल सी यू इन सम न्यू अवतार, कोई नया अवतार होगा या वही करती रहेंगी? मैं बार बार आपको ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ रूमर क्या है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली वायनाड दोनों जीतते हैं तो वो वायनाड रहेंगे, रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी वाड्रा 6 महीने बाद लड़ेगी। देखिए ये सही है गलत है? देखिए, मेरे अवतार तो आप लोग ही बनाते हैं। अब मैं यूपीआई जनरल यहाँ की महासचिव बनी जी, आपने फिर भी वही अवतार ढूंढना मुझ में जो पुराना वाला था, फिर यहाँ का चुनाव भी लड़ा चेहरा बनेगी मुख्यमंत्री के लिए दावेदार बनेगी। तो ये तो आपकी धारणा है ना, ये तो आपकी धारणा है। प्रियंका गांधी का भविष्य किस तरह है राजनीति? अब मैंने कहा मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँ मेरा भविष्य, बट यू आर नॉट रूलिंग आउट। मेरा, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरा भविष्य ये है कि मैं जनता की सेवा और कांग्रेस पार्टी की सेवा लगातार करती रहूंगी हमेशा के लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा, आपने हमें बहुत कुछ इस इंटरव्यू में बताया, आपके बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में और 2024 के चुनाव के बारे में, और ये भी जबकि आप 10-11 रैलियां नुक्कड़ सभा कर रही हैं, बहुत गर्मी भी है। आज तो खैर आखिरी दिन है, तो आज सिर्फ एक रोड शो रखा है, लेकिन आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। We wish you all the best, like we wish all the parties. Thank you. I must say, Rajdeep, your Hindi has improved. My Hindi has improved. तो 99 और अब में ये फर्क आ गया। I was 99 में और आज में इतना फर्क आ गया। आप में कोई फर्क नहीं आया, मुझ में इतना फर्क आया कि मेरी हिंदी ठीक ठाक हो गई। नहीं, मुझ में भी बहुत फर्क आया, लेकिन वो कहाँ इंटरव्यू में कहाँ बताएं? चलिए, एक तो बता दीजिए क्या कि क्या फर्क आया है। नहीं, एक समझ में फर्क आया है, खासतौर से राजनीति और देश के बारे में, खासतौर से जब मैंने यूपी में काम किया तो लोगों की जो कठिनाइयां हैं वो हमेशा देखी थी मैंने, हमेशा माँ बाप के साथ घूमी थी, गांव में गई थी, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है ना कि बचपन में कुछ हो जाता है, जैसे पिताजी का देहांत हो गया तो ये सोच लिया कि इतनी बड़ी चीज हो गई है कि उसी दायरे में रह गए काफी समय के लिए, फिर यहाँ आए देखा एक क्या दो परिवार के सदस्य कट के मर गए, किसी को जला दिया गया है, किसी का अत्याचार किया है, किसी पे भयानक से भयानक अत्याचार बरसा दिए गए हैं और लोग चले जा रहे हैं, जिंदगी चल रही है। क्योंकि आपको फिर मैंने सीखा, जो खान मार्केट गैंग एंटाइटल लटियंस एलीट कहा जाता था उससे आप उभर कर आई। देखिए, ये मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहती हूँ जी, ये लटियंस एलीट तो मैं कभी नहीं रही हूँ ना, मैं इन लोगों के साथ, मैं तो कभी गई नहीं विदेश पढ़ने के लिए, ये सब मैं तो जेएमसी की पढ़ी हुई हूँ, मेरी सारी सहेलियां जो हैं वो साधारण परिवारों की थी, वो कोई बड़ी एलीट तो थी नहीं, लटियंस की थी नहीं इस तरह से। सरनेम था आपका? हाँ, तो सरनेम था, तो सरनेम, सरनेम से क्या होता है, सरनेम से क्या होता है, वो तो मेरे रहन सहन से होगा ना, क्या हो। वैसे खान मार्केट बुरी मार्केट नहीं है, वहां तो कभी कभी मैं जाती हूँ। हाँ, आपने ये भी कहा कि, जैसे मैंने कहा कि आप कह रही थी कि आप सादगी चाहती है और आप समझ, मेरा जीवन ये ऐसा ही रहा है, मेरे बच्चों का जीवन भी ऐसा ही है। चलिए, आपने ये भी आज एक स्पष्टीकरण हमारे सामने रखा है। प्रियंका गांधी वाड्रा, आपने बहुत समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
मुझे एक जर्नलिस्ट के रूप में लगा ये खबर, छोटे छोटे कई खंड जो है राजदीप के इंटरव्यू के कट रहे हैं, लेकिन ये हिस्सा कोई नहीं चला रहा। ये कह रही है कि मेरे भाई में प्रधानमंत्री के गुण हैं, लेकिन वो कह रही ज्योतिष ने मेरे पिताजी के सामने मुझे कहा कि तुम में प्रधानमंत्री बनने का योग है, मेरे पापा ने मुझे डांटा कि तुम ज्योतिष के पास क्यों बैठ गई, तुम्हें भारत, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम राज परिवार में पैदा ली हो, गांधी परिवार में, तो तुम प्रधानमंत्री बनोगी, तुम्हें मेहनत करना है। प्रियंका वाड्रा कहना क्या चाह रही है? मनीष जी अक्सर है ना कि मैं तो कहता हूँ कि राजनीति में जो कहा जाता हो किया नहीं जाता, जो किया जाता हो कहा नहीं जाता, तो उसने बड़े एक तरह से मास्टर स्ट्रोक की तरह, क्योंकि उस इंटरव्यू को कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वहां से लेकर सड़क साफ जितने हैं वो भी उसको देखेंगे कि प्रियंका गांधी का इंटरव्यू है, और उसमें वो बड़े सफाई से वो मैसेज दे रही है कि प्रधानमंत्री बनने की रेखा तो मेरे हाथ में है। उसने ये संदेश दे दिया, और ये भी बता रही कि आज नहीं, आज से 40 साल पहले कोई पंडित आके इनको बता गया था कि तुम एक दिन देश का प्रधानमंत्री, तुम्हारे हाथ में रेखा है, बताओ। वो बड़ी विरक्ति से रही है कि पिताजी ने डांट दिया और फिर मैं तो बच्ची थी, मैं चली आई, लेकिन उसने सिगुफा छेड़ दिया और नीचे तक मैसेज दे दिया, क्योंकि वो जान रही कि 2024 में कांग्रेस की भैंस तो पानी में गई, डूबी बहुत बुरी तरीके से, तो अब 2024 के बाद वो अपनी संभावनाएं तलाश रही है, और उसके लिए बड़ा तगड़ा हमला कायदे से मनीष जी, ये राहुल गांधी पर बड़ा तगड़ा हमला है प्रियंका गांधी का, जिसकी कोई काट अभी राहुल गैंग कोई ढूंढ नहीं पाएगा कि कैसे। और इसीलिए अगर जो लोग, मैंने जवाब में बताया, मैंने देखा, मुझे तो कोई मैं जान रहा था राजदीप इंटरव्यू ले रहा तो क्या हो रहा होगा, तो उसको जरा मैंने इस पोर्शन के लिए देखा, तो बड़ी सेटिंग के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुश्मन इंटरव्यू ले रहा है, बड़ी बेलाग होके वो बात कर रही, बाद में बड़े हंसते हुए उसका समापन होता है। तो ये राजदीप के साथ सेटिंग करके, अगर दर्शकों को याद हो तो अभी कुछ ही महीने पहले, मेरे ख्याल से 5-6 महीने हुए होंगे, तो राजदीप का एक और बयान बड़ा चर्चित हुआ था कि इस राहुल गांधी 2004 से सांसद है, और आज तक मैं इसका एक भी स्टेटमेंट या एक भी भाषण मुझे याद नहीं जिसको कहा जाए कि किसी नेता का बयान है, ये इस आदमी ने बहुत बुरी तरीके से निराश किया है, ये बहुत सोशल मीडिया पे चर्चित हुआ था इसे 5-6 महीने पहले। तो राहुल राजदीप सरदेसाई भी अब कोई अपना नया आका प्रियंका गांधी में उसने तलाशना शुरू किया है, तो बड़े प्लांड वे में ये इंटरव्यू किया गया, 50 मिनट का था, लेकिन जैसे मनीष जी ने पकड़ी वो बात, मैंने तो देखा ही नहीं था इंटरव्यू, जब मनीष जी का तो मैंने देखा उसको, सही बात है कि सारी प्रेस को तो पकड़ना उस पॉइंट को चाहिए था जहां पे उसने निपटा दिया राहुल गांधी को, और नीचे तक के कार्यकर्ताओं को ये बता दिया कि देखो प्रधानमंत्री बनने योग्य मैं हूं, और भगवान ने भी कहा है कि वो जो ज्योतिष आया था वो भी कर गया, तो राहुल गांधी का तो काम साफ, क्योंकि 24 में अब भैंस को डूबने से कोई बचा तो पाएगा नहीं, और उसके बाद एक नई आवाज उठेगी और वो साफ करेगी। तो मैं हमेशा, मनीष जी लोगों को ध्यान होगा, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि प्रियंका जो है वो राहुल गांधी से ज्यादा शातिर राजनेता है, और वो बड़े प्लांड वे में चल रही, क्योंकि उसको आज से 10-15 साल पहले निपटा दिया गया था कि वो नेतागिरी में नहीं लाया गया उसको, लेकिन अब उसको लग रहा है कि अब देर हो जाएगी देर। उसने बात और कही मनीष जी कि अब तो बाल सफेद हो गए, रंग के काला करती हूँ, तो ये भी उसने बताया कि मैं मैच्योर भी हो गई, मेरी उम्र भी हो गई है। तो अब देखिए, अब ये जो प्रियंका गांधी का इंटरव्यू है इसके परिणाम हम लोग 4 जून के बाद ढूंढेंगे कि इसके क्या बाई प्रोडक्ट आते हैं। बिल्कुल, और उसका पति तो कई बार ताल ठोकता है कि अब प्रियंका ज्यादा मैच्योर है, बहुत मैच्योर है, वो अपनी बात भी करता है। आज उसने एक और बात, जब राजदीप ने उससे पूछा कि आप प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, शून्य बटे सन्नाटा, क्या परिणाम आया, बोला कि हाँ मुझे परिणाम तो पहले से पता था कि क्या होगा उत्तर प्रदेश में, फिर उसने कहा मैंने जो मेहनत किया उस समय में उसका परिणाम अब की बार आएगा। ये भी क्रेडिट छीन लिया, ये भी उसने कहा कि अगर कहीं 2-3 सीटें आ जाए तो ये उसको नहीं ये मुझको दिया जाए इसका क्रेडिट, ये भी उसने कर दिया। लेकिन मनीष जी बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें उसने भी की, वो राहुल गांधी से ज्यादा साथी रहे, बाकी वो अकलमंद नेता नहीं, वो भी उतनी फूवड़, उतनी भ्रष्ट और उतनी ही तानाशाह प्रवृत्ति की है जैसे राहुल है, ये थोड़ा उससे बेटर है, बस इतना फर्क है दोनों में कि जरा सोचिए, एक तरफ करिए कि हमने बड़ी जान लगा दी, बड़ी संघर्ष कर दिया, हमने बड़ी सोच समझ के रणनीति बताई थी, लेकिन साथ में करी कि मुझको मालूम था कि परिणाम यही होगा, ऐसा मूर्ख आदमी तो मैंने नहीं देखा कि मुझको मालूम परिणाम ये होगा लेकिन मैं उस दिन जूझा रहूं और बाद में पब्लिक में आके बताऊं।
तो अपनी कमी को छुपाने के लिए कैसे थोथे तर्क, कैसे फूहड़ तर्क उसने दिया है, ये तो कोई मतलब नहीं उस इंटरव्यू का। लेकिन ये जो बात आपने पकड़ी कि वो राजदीप सरदेसाई की साठ गांठ से बड़ा प्लांटेड वे में उस इंटरव्यू को रिलीज किया गया है और ये चर्चा कल से शुरू हो जाए, कल से नहीं होगी 4 जून के बाद शुरू हो जाएगी। ये पंडित ने तो इसको बताया था प्रधानमंत्री बने की ये जबरदस्ती, इसको हम लोग जिंदाबाद करें तो राहुल गांधी ये बुरे दिन 4 जून के बाद शुरू होना हो जाएंगे। और घर से, और जो आपने मनीष जी का जरा एक और, हाँ देखिए वो घटनाक्रम याद आ गया कि वो रॉबर्ट वाड्रा उस आदमी की हैसियत समझिए कि जब जिस समय इसका सैम पित्रोदा का बयान आया था वो हेरिटेज विरासत टैक्स का, तो उसने तत्काल सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ही बोला था कि बकवास करता है ये आदमी, इसको निकाल के फेंको बाहर पार्टी से। ये राहुल गांधी के गुरु के लिए रॉबर्ट वाड्रा कह रहा था सार्वजनिक रूप से, तो एक तरह से तलवारें खिंच गई हैं, थोड़ा चलने भी लगी हैं, घमासान 4 जून के बाद होगा। बिल्कुल, और दो चीजें इसमें मुझे लगता है कि एक जर्नलिस्ट के रूप में जब मैं कांग्रेस कवर कर रहा था तो एक मैसेज हमेशा सोनिया गांधी की तरफ है कि कोई प्रियंका वाड्रा की तारीफ नहीं करेगा, आप प्रियंका वाड्रा की तारीफ नहीं कर सकते, ये अघोषित रूप से कांग्रेस में है। यहां जब वो अपने पिता के लिए बता रही है, इसका मतलब वो बता रही है कि मां की तरह मेरा बाप भी सत्ता जो है बेटे के हाथ में ही देना चाह रहा था, क्योंकि बाप ने उसे डांटा था कि ज्योतिष के पास तुम क्यों बैठी कि तुम्हें दिया गया। अब सर मुझे याद आता है जब बिहार में राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनी थी तो वहां एक नैरेटिव चलाया गया कि राजयोग तो राबड़ी को था, क्योंकि राबड़ी को राजयोग था तो राबड़ी सत्ता कैसे पाती, इसीलिए लालू यादव को मिला। और लोग बड़ा आराम से, मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो ये चर्चा होती थी कि राजयोग तो राबड़ी देवी के पास था, राजा तो राबड़ी को बनना था, लेकिन राबड़ी निरक्षर थी वो तो कैसे बनती, तो इसीलिए उसका लालू से ब्याह हुआ, लालू पहले राजा बना फिर राबड़ी बनी, मतलब राजयोग। तो राजयोग मतलब प्रियंका ने बता दिया कि राजयोग यहां घुमाओ यहां है राजयोग, मतलब अब बर्तन तो मांझती नहीं होगी कि हाथ घिस गया होगा लकीर, अब लकीर तो अभी भी होगा ना सर, हाथों की लकीर तो होगी जो उस समय के। और राजीव गांधी के घर में भी कोई ज्योतिष गया होगा, प्राइम मिनिस्टर के घर में तो कोई सामान्य ज्योतिष तो होगा नहीं वो। हाँ हाँ, सबसे खास बात ये प्रधानमंत्री के यहाँ जो गया होगा, अरे ना तो मनीष जी कोई ज्योतिष गया था, ना उसने इसका हाथ देखा था, ना उसने कहा था, जरा समझिए बात को, ये एक कौवा उड़ाना था, कबूतर उड़ा दिया गया, अब ये कबूतर जो है 4 जून के बाद दाना लेके आएगा। ये इसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेसियों को एक मैसेज दे दिया कि ये तो दसुड्डा है, इसके बस का कुछ नहीं है, मेरे भाग्य में लिखा है मुझको नेता बनाओ, तो नीचे तक विद्रोह के इसने बीज डाला है, उसके अभी देखे कितनी देर में समझ में आएगा, वो तो इस समय फिलहाल रायबरेली में जूझ रहा है। राजदीप के कहा कुछ जाता सुनाई कुछ और देता है, मतलब कुछ और होता है। बिल्कुल, राजनीति के इसके मतलब कुछ और होते हैं, हमें प्राइम मिनिस्टर के वैसे बता दूं मनीष जी की प्रियंका गांधी की कुंडली मार्केट में है, क्योंकि इनका इनका जन्म कोई बहुत सन 50 में तो हुआ नहीं था और बहुत बड़े घर में थे, तो इनका इनकी टाइमिंग सारी नोट है और वो कुंडली बड़े ठीक ठाक ज्योतिषियों ने देख चुके हैं, मैंने भी कुछ लोगों से उस पर चर्चा की तो उन्होंने बता दिया कि कोई सवाल ही नहीं पैदा। तो अब जरा ये भी बता दूं कि कहीं कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता ना इसका और ना उसका, दोनों की कुंडली में दूर दूर तक कहीं कोई राजयोग नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो करीब मुझे लगता है 30-40 मिनट का जो इंटरव्यू है उसमें राजदीप ने कहा होगा कि तुम ये बताना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि राजदीप द्वारा प्रियंका का इंटरव्यू सामान्य मामला नहीं है, ये सोनिया गांधी कभी नहीं चाहिए होगी कि राजदीप का इंटरव्यू ले, और राहुल गांधी कभी इंटरव्यू देगा नहीं, तो ये पूरा इंटरव्यू इसी नैरेटिव को है कि बोका को हटाओ प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार हम हैं। नरेंद्र मनीष जी मैं आपको बधाई भी दूंगा धन्यवाद भी दूंगा कि उस पूरे इंटरव्यू का जस्ट केवल यही है, केवल इसीलिए वो पूरा 50 मिनट की नौटंकी थी कि उसको ये कहानी सुनानी थी, बाकी तो जो काट काट के चला रहे उनके लिए मैं क्या कहूं। मेन तो उस इंटरव्यू की जान यही केवल सेंटेंस था, यही खबर फैलानी थी। और जो मैंने अभी कहा कि दोनों भाई बहनों के किस कुंडली में नहीं है राजयोग, तो मेरे कहे समझ की मैं इनका आलोचक हूं या विरोधी कह लीजिए, आपको गूगल पर इनके दोनों की कुंडलियां मिल जाएंगी, समय उपलब्ध है, किसी ज्योतिष से आप पूछ लीजिएगा जिसको ठीक ठाक नॉलेज है, वो तत्काल बता देगा कि इनके राजयोग है या नहीं है। ये जो बात कर रही है
कि वो कौन ज्योतिष था, किसने हाथ देखा था, कब देखा था, इसका कहीं कोई सिर पैर नहीं है। और वो जो बताए वो इनकी डेट ऑफ बर्थ और समय गूगल पे जगह जगह उपलब्ध है, जगह जगह उपलब्ध है। तो समझा आता है राजनीति में कई कुछ इशारों के बहुत मायने होते हैं। आज प्रियंका ने तुरूप का इक्का मुंह पर मार दिया है मम्मी की, मार दिया, और मार पर दिया, ये मार इक्का, तो इसका मतलब सोनिया के मुंह पे ही तो मारा गया है ना ये, कि ये जो हर बार जो ये राहुल प्रयोग परियोजना चला रहे हो और हर बार जो ये रिलॉन्च कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर करते बार बार रिलॉन्च, ये रिलॉन्च इतनी बार मत करो, अब ये कारतूस खुद हो चुका है, अब मेरे तरफ इशारा, थोड़ा ध्यान दो, अब मेरी बारी है, हाथ देख लो, राजयोग है मेरे ऊपर। नहीं नहीं मनीष जी, लड़ाई कहां, तो समझ लीजिए कि राहुल गांधी के गुरु वो सत्यनारायण गंगाराम बड़ई, और उसके लिए रॉबर्ट वाड्रा खुलकर बाहर आ कह रहा है कि बाबा हटाओ इसको, बकवास करता है, इसको निकाल फेंको पार्टी से, ये पित्रोदा के लिए आज तक कोई नहीं बोल पाया। तो एक तरह से खुला विद्रोह तो रॉबर्ट वाड्रा ने शुरू ही कर दिया। तो देखिए अब सोनिया गांधी इस इंटरव्यू के बाद ये प्रयोग परियोजना, ये रिलॉन्च का क्या करती है, कब तक ये रिलॉन्च चल रहा है, लेकिन बड़ी चालाकी से कि मेरे भाई में प्रधानमंत्री बनने के खास गुण हैं कहते हुए प्रियंका वाड्रा ने अपने हाथों की लकीर की तरफ ध्यान क्यों दिलाया है, ये दिलचस्प। हाँ।